आज अगर मिस्टर जेंटलमैन मेरे को नहीं मिला साफ सियासत देश को। हाँ ऐसा ना ले आऊं। ये रोटी आ गई है तैमूर भाई ने देखो सबसे पहले प्लेट पकड़ी है। रोटी नहीं थी टिशू का सालन। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, ठीक ठाक हो, मजे में हो। आज के व्लॉग के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। कॉलेज में हमारी फेयरवेल है, फर्स्ट ईयर में दी थी हम लोगों ने, सेकंड ईयर वालों को फेयरवेल दी थी और अब हमारी फेयरवेल है। मज़ा आने वाला है आज इंशाल्लाह। दो तीन जिम्मेदारियां भी हैं, वो बस सब जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं। अगर नहीं हुई ना तो भी आप लोगों को व्लॉग में दिख जाएगा, और अगर हो गई तो भी आपको व्लॉग में दिख जाएगा। तो अभी बस चलते हैं नहाते हैं और फिर चलते हैं आपको फेयरवेल दिखाएँ। जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया कर दो, क्योंकि भाई इंशाल्लाह आज के व्लॉग में आपको मज़ा नहीं आया ना तो कहना। ओके सर आप पहुंच गए कॉलेज के अंदर, तो आ गए हम लोग। और रश देखो हमारे आसपास भी देखो, हमारे को भी यहाँ खड़ा किया भाई, चेकिंग कर रहे हैं, बम बम तो नहीं लाए हुए। ये लग भी रहा है दहशतगर्द, इससे बुरा लगता है यार। वालेकुम अस्सलाम उमेश भाई, आप बताओ रॉक स्टार है। यार मेरे को एक बात की हैरानी हो रही है, नई नई शक्लें नजर आ रही हैं, ऐसे लग रही शक्ल नहीं है, मुंह धोकर आए यार। तो हो सकता है धो के आए हो, क्योंकि नई नई शक्लें आ रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि इनको हम लोगों ने पहले कॉलेज में देखे हैं। फिर हो गई तेरे को है, ब्रांड एंड में आ रहा है। ये आ गए हमारे बाकी लोग, उमर ऐसी ना, क्या हाल है जमशेद भाई। हम लोग अपने बंदों को ढूंढ रहे हैं और वो पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, वो रहे वो सामने, सही लग रहा है। थैंक यू ब्रो, यू आर आल्सो लुकिंग सो हैंडसम। थैंक यू बस हमारे मत। आज अगर मिस्टर जेंटलमैन मेरे को नहीं मिला साफ सियासत देश को, अबे तेरे को थोड़ी इसको मिलेगा। ये देख ये तू घर जा, ये क्या है, हैं ये क्या है, कान पे है क्या है, यही कर घटिया इंसान, बंगाली बना इस दिखा। अभी बस स्टार्ट होने ही वाला है, स्टार्ट हो जाए फिर मैं नहीं दिखूंगा, मिकाइल भाई दिखेंगे, वो बनाएगा ये मेरा सफर नहीं हो रहा है, बन गया ना। हाँ हाँ बन गया, ये देखो लिस्ट बन रही है, ये लिस्ट बनाई है, पूरी लिस्ट ऊपर नीचे कर दी, जो नीचे थे वो ऊपर हो गए, जो ऊपर थे वो नीचे हो गए। दानिश इकबाल, मिस्टर ब्लिप, हमारी बारी आ गई है टाइटल की। A few moments later. हुए हैं हम सदा ही।
वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या सकते हो सर? मैं हूँ सर। कौन हो तुम? सर मैं सर कोई के प्रेसिडेंट हो? माफ करें सर, या प्राइम मिनिस्टर हो? नहीं सर, बड़े दिन नहीं आए मेरे अभी। तो हो कौन? सर मैं सर। अच्छा तुम डीएसपी के बच्चे हो? जी सर। बारिश पे जो आए हो तो क्या करें सर, सारी जिंदगी जब पे पड़े हैं। सिफारिश का नौकरी सर, बारिश का नौकरी मिल गई है, लेकिन तुम्हारा एक छोटा इंटरव्यू होगा। पूछू दो जमा दो क्या होते हैं? सर पाँच सर। वो कैसे? इसे ये लंबा इसलिए। कहीं बता रहे हो? दूसरा सवाल है, अल्बेरोनी के फादर का क्या नाम था? इतना आसान सवाल सर, बाप का नाम अदर बेटा। तुमने एक लड़की को प्रपोज करना है? मैं समंदर के तरफ आ जाऊंगा। मैं कश्ती से गिरा दूंगा। आई लव यू बोल दे वरना मैं कश्ती से उतर जा। तुम इस सीट के काबिल हो, बस तुम्हें इधर बैठना होगा। पैसा 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 भाई, 5 नंबर का भाई जाओ। आ रहा हूं, देख के बताओ ट्रेन चलेगी जल्दी। देख के नंबर 5 नंबर प्लेटफार्म से जाती है, कराची जाती है, 11:30 बजे जाती है। मैं भी वही कह रहा हूं, कराची जाती है। पैसा पैसा पूरी गई है ना? ओ नहीं, आधी लगी है। ओ कभी रुक, ओ कभी आधी भी जाती है। पैसा इंजन भी चला गया, कहीं सारे तो गए इंजन तेरे गए। अब भी गए तुम्हें जगह बैठ। चला नहीं नहीं भैया, बैठो यार, ये बाल बता रहेगा। भैया मेरा कराची जाना बहुत जरूरी था। तो क्या हुआ? मास्टर शाकिर गए, उनको लिए के आना था। बहुत तेज हो रहा है, हैं बहुत तेज हो रहा साथ। तुम्हारा शी नाम का बच्चा पैदा हुआ है? हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील कर। हम लोग ने देखा पीछे, हम लोग स्टेज पर, तो मेरे को किसी ने भूल दिया। इन योर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज वेलकम। किसी ने दिया सीक्रेट व्लॉग में देखना, इतना सही है। ये फेयरवेल हो रही है, सही है। यहाँ पे बातों से ज्यादा समझ सकते हो आप, तो मजा कहना चाहता हूँ, समझ जाओ। ये चेक करो, इधर आप लोगों को कोई भी नहीं लेके आएगा इस तरह। सही फुल
सीन है भाई रोटी ये मैं अपनी जान को खून दे देना खरा को ये कुछ तो चल रहा है रोटी आ गई है तैमूर भाई ने देखो सबसे पहले प्लेट तैमूर के साथ में बैठा है तैमूर के साथ में बैठा है इसलिए इतने भूखे रोटी रुकी खाने भाई है ना भाई 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 अच्छा ले आऊं ले आऊं दामा ना दे A few moments later. सर बस कर यार दो बंदे खा रहे हैं बच्चा का प्लेट पिक बॉस की जरूरी पिक बॉस ब्लॉक के चक्कर में हमारा खाना मिस हो रहा है पता है आरएस ने मार दिया आरएस मारेगा तैमूर अल्लाह को मान भर भर के डाल रहा है यार छोड़ दे बस हमारे सर इधर थाली आ गई खत्म हो गई टूके क्यों फेंक रहे हैं गंदे असद भाई प्लीज प्लीज खाना देखो क्या किया हमारे तक तो पहुंचे वही खा ले अब वो भी ना बचे वाह यार सही जा रहे हैं सर तैमूर ने पता है क्या किया रोटी नहीं थी टिश्यू को सालन से लगाया खाने लग गया इधर दिख गए मक्खी आई है ब्लॉग में बिरयानी में मक्खी आई है अंडा होना भी कितना हुआ मक्खी मक्खी ये मैं खाने ही वाला था लेकिन नजर पड़े ये काली मिर्च समझ के खा रहा था असद भाई शॉर्ट लीव A few moments later. फेयरवेल के बाद हम लोग ना पोर्ट ग्रैंड आ गए हैं ये देखो तो को मैं यही एंड कर रहा हूँ बहुत ऊंचा बोलना पड़े वहाँ पे बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे मैंने व्लॉग बनाया ना तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा उम्मीद है आप लोगों को फेयरवेल में मजा आया होगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना यार बहुत मेहनत से बनाते हैं तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दो दबा दो दबा दो तोड़ दो बटन तोड़ दो बैठ जाओ पर कुछ भी हो जाए बस वो लाल वाला बटन दब जाए लाइक दबा दो लाइक